सबसे पहले मैं आपको लोकेशन चेक करवा देता हूँ इस फ्री आरटीपी की, उसके बाद हम इंटरनेट चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इसके अंदर अपनी क्रोम की प्रोफाइल मल्टीपल जनरेट कर सकते हो और इसमें आप अपना किसी भी किस्म का यूट्यूब का वॉच टाइम कम्प्लीट कर सकते हो, उसके अलावा मल्टीपल और चीजें भी कर सकते हो अपने जरूरत के अकॉर्डिंग। मतलब कि यूएसए की आपको ये सर्वर मिला है जिसको आप यूज कर रहे हो इस टाइम, ठीक है। मेरा तो यूएसए का, जब आप क्रिएट करोगे तो हो सकता है आपका सर्वर किसी और कंट्री का हो या मे बी आपको यूएसए का ही मिले। मल्टीपल ब्राउजर एक टाइम पर ये आरडीपी सर्वर हैंडल कर पा रहा है, ठीक है। इसमें इतनी ज्यादा लैग भी नहीं हो रही, किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम भी फेस करनी नहीं पड़ेगी। इंटरनेट स्पीड चेक करें, ये तकरीबन 300 एमबी की हो चुकी है। यहाँ पर स्पीड चेक करें बस, आप यहाँ पर 400 एमबी हो चुकी है। तकरीबन मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर आपकी यहाँ पर 1 GB की फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ये देखें आपके सामने। आज की इस वीडियो में मैं जो आपको फ्री आरडीपी क्रिएट करना सिखाऊंगा, उसमें ना तो आपको किसी किस्म का कोई अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ना तो आपको किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जरूरत होगी और ना ही आपको कोई और प्रॉब्लम आएगी। ये आरडीपी इंस्टेंट क्रिएट होगी, इसमें आप मल्टीपल क्रोम की प्रोफाइल जनरेट करके अपना किसी भी किस्म का कोई भी काम इजीली कर पाओगे। इसमें आपको अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट मिलेगा और फास्ट ब्राउजिंग मिलेगी, मतलब कि आपको ये आरडीपी चलाने में बहुत मजा आएगा और इस आरडीपी सर्वर को आप काफी लंबे टाइम के लिए इजीली यूज कर पाओगे। अगर आप लोग यूट्यूब में सर्च कर रहे हो हाउ टू क्रिएट फ्री आरडीपी इन 2024 या आप यूट्यूब में सर्च कर रहे हो हाउ टू गेट फ्री VPS RDP, तो भाई आज के बाद आपको ये चीजें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फ्री में RDP क्रिएट करना सिखाऊंगा। काफी लंबे अरसे के बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसकी रीजन ये है भाई आपके भाई की जरा तबीयत डिस्टर्ब थी, अभी भी मेरा गला खराब है, कोई आवाज ऊपर नीचे हो तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा यार। वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो आपको पता है आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आते हैं तो आपने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम बताना है, मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। वीडियो को डिसलाइक नहीं करना, प्रॉब्लम जो भी है आपने वो कमेंट में आकर बताना है। जैसे आपको लास्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैंने फायदा दिया था, इस वीडियो से भी आपको जरूर फायदा होगा। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट भाई लोगों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मिलेगा आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से आपने व्हाट्सएप चैनल में जाना है। वहाँ पर मैंने एक आपको फाइल प्रोवाइड की है जो कि ये नोटपैड होगा, आपने इस नोटपैड को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इस नोटपैड को डाउनलोड कर ले, सिंपल आपने क्या करना है, आपने अपना कोई सा ब्राउजर ओपन करना है, याद रहे आपने वही वाला ब्राउजर ओपन करना है जिसमें आपका जो जीमेल का अकाउंट लॉगिन हो। जिसमें आपका जीमेल का अकाउंट लॉगिन नहीं होगा तब आपकी आरडीपी नहीं बन पाएगी। तो जीमेल का अकाउंट लॉगिन चाहिए आपके किसी भी ब्राउजर में, वो क्रोम ब्राउजर हो, वो ओपरा हो, वो फायरफॉक्स हो, ये मैटर नहीं करता, बस आपका ये अकाउंट जो जीमेल का है वो लॉगिन होना चाहिए। आपने ब्राउजर ओपन करना है, ब्राउजर ओपन करने के बाद आपने ये फर्स्ट लिंक को कॉपी करना है, यहाँ से नोटपैड में से कॉपी करने के बाद आपने आना अपने ब्राउजर में और यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, इसको सिंपल पेस्ट एंड गो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने गूगल की ये वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पर आपने न्यू नोटबुक आपको ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपने इस पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पर चंद मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए वेट करना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ यार, मेरा गला खराब है तो आवाज ऊपर नीचे हो तो मैनेज कर लीजिएगा। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपने क्या करना है, अगेन नोटपैड में जाना है। नोटपैड में जाने के बाद आपने ये सेकंड वाले को फुल कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है यहीं पर वेबसाइट में और यहाँ पर आकर उसको आपने क्या करना है, यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल वी करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर दें, उसके बाद आपको यहाँ पर इस साइड पर प्ले का बटन मिलेगा, आपने सिंपल इस पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने इसको प्ले कर छोड़ देना है। अब आपने क्या करना है, आपने फिर दोबारा से नोटपैड में जाना है। नोटपैड में जाने के बाद आपने इस थर्ड लिंक को कॉपी करना है। थर्ड लिंक को कॉपी करने के बाद आपने ब्राउजर में आना है और यहाँ से इसको न्यू ब्राउजर में जाना है। न्यू ब्राउजर में जाने के बाद आपने जो लिंक कॉपी किया थर्ड वाला लिंक, उसको पेस्ट करके यहाँ पर आपने गो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा सेटअप विया SSH, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर बिगन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने ऑथराइज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको डिबन लिनक्स का यहाँ पर एक कोड मिलेगा जिसको आपने सिंपल यहाँ पर कॉपी कर लेना है। अब लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें लिनक्स की आरडीपी क्रिएट करना सिखाएं, तो भाई आपकी डिमांड पूरी हो चुकी है, तो सिंपल आपने यहाँ से इसका पूरा कोड कॉपी कर लेना है। कोड कॉपी करने के बाद आपने इस वेबसाइट में आना है। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए नजर आ रहा होगा गूगल CRDSSH कोड,
तो यहाँ पर आपने एक बार माउस से क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कंट्रोल वी की मदद से जो आपने यहाँ से कोड कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, यहाँ पर मैंने कोड जो है वो पेस्ट कर दिया। सिंपल आपने अपने कीबोर्ड की मदद से यहाँ पर आपने एंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एंटर पर क्लिक करोगे आपका टोटली काम खत्म हो चुका है यहाँ पर। अब बस आपने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट वेट करना है, उसके अलावा आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर जब तक आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड ना प्रोवाइड कर दे आपने जस्ट वेट करना है और आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर ये अभी कुछ फाइल्स यहाँ पर आपके सामने ये रन करेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपनी RDP को लॉग इन करेंगे। जब तक ये होता है तब तक हम क्या करते हैं, जस्ट वेट करते हैं। और हाँ गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आता है इस RDP को बनाने में तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट करना है। नेगेटिव लोगों के बातों में नहीं जाना, आपने सिंपल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना प्रॉब्लम बताना है, मैं आपको इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा। अगर फॉर एग्जांपल मुझे भी आपकी बात समझ ना आ रही हो तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप हमारे फेसबुक ग्रुप में जाकर जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसकी पोस्ट लगा दें। अब फेसबुक ग्रुप कौन सा, शायद न्यू यूजर्स को ना बताओ जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं। तो हमारा भाई साहब फेसबुक पर एक ग्रुप भी है जिसका नाम है मेटा स्ट्रीम एड्स बाय PK, ठीक है, ये आप नाम देख लें। आप जाकर फेसबुक में सर्च करेंगे तो आपको ये हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो ये ऑटो अप्रूवल ग्रुप है, इसके अंदर मैं फेसबुक से रिलेटेड काफी ज्यादा पोस्टिंग वगैरह करवाता हूँ और लोग आके अपने यहाँ पर सर्विसेज भी सेल करते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी यहाँ पर आकर पूछ लेते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आपने उसकी पिक्चर लेकर स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर पोस्ट करनी है उसकी, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका सलूशन जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा फेसबुक ग्रुप भी है, इसको ज्वाइन भी कर लेना और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर आकर उसको पूछ भी सकते हो, उसको सॉल्व करवा सकते हो। पहले तो आपने इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाकर पूछना है, अगर वहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी वेल एंड गुड, अगर ना हुई तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप फेसबुक ग्रुप में जाकर पोस्ट लगा दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। अव्वल तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देख ली तो। और हाँ यार, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे भाई को मोटिवेशन मिलती है और दिल करता है कि मैं आपके लिए मजीद अच्छी से अच्छी चीज लेकर आऊँ। तो ये जल्दी से हो जाता है, उसके बाद आपको मैं मिलता हूँ। और भाई लोगों, यहाँ पर हमारा जो सर्वर है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपके सामने यहाँ पर ये लॉगिन पिन वगैरह मिल चुकी है। जब आपके सामने ये सब कुछ आ जाए तो आपने क्या करना है, आपको यूजर नेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपने सिंपल इस कोड को जो है आपका जो लॉगिन पिन है इसको यहाँ पर टोटल को कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आपने इसको ना कंट्रोल सी की मदद से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जाना है इस वाले टैब में और अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आपको रिमोट एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपने इस पर जाना है एक बार। और यहाँ पर आपके सामने देखें ये आपका जो सर्वर है वो ऑनलाइन हो चुका है। ये मैंने पहले भी क्रिएट किए हुए हैं, तो जितने आपने किए होंगे ना पहले भी क्रिएट तो उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पर नजर आती रहेगी, ठीक है। तो इससे आपको ये भी आइडिया हो चुका है, मैं इस RDP को पहले भी यूज कर चुका हूँ, ठीक है, तो आप भी इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपने इस पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर ये कनेक्टिंग होगा और यहाँ पर ये आपसे मांगेगा पिन जो आपने वहां से कॉपी की थी वो यहाँ पर आपने पेस्ट करनी है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप इसको रिमेम्बर माई पिन पर क्लिक करके यहाँ पर इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर एक कनेक्टिंग होगा और आपके सामने आपकी जो RDP है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने जो आपका क्रोम ब्राउजर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का आपको ये सर्वर का इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसका जो ओवरव्यू है कुछ इस तरह का मिलेगा। इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड क्रोम ब्राउजर मिलता है जिसकी आप मल्टीपल कॉपीज भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फाइल सिस्टम में जाएं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको तकरीबन 110 GB की स्टोरेज मिलती है जिसमें आप अपना डाटा जो है वो सेव कर सकते हो। यहाँ पर फिलहाल देखें 73.7 GB यहाँ पर आपके पास जो है फ्री स्पेस है, बाकी जो है वो यहाँ पर फिल हुई भी है, ठीक है। तो ब्राउजर ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने एप्लीकेशन में आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंटरनेट का, जैसे आप इस पर अपना एरो लेकर आओगे यहाँ पर आपके सामने क्रोम ब्राउजर जो है वो शो कर दिया जाएगा। आपने सिंपल अपना क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप इसको बड़ी स्क्रीन कर ले यहाँ पर। पहले यहाँ पर आपसे गो टू इट पर क्लिक करवाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर इसको इसकी स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन चेक करवा देता हूँ इस फ्री RDP की, उसके बाद हम इंटरनेट चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इसके अंदर अपनी क्रोम की प्रोफाइल मल्टीपल जनरेट कर सकते हो और इसमें आप अपना किसी भी किस्म का YouTube का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो, उसके अलावा मल्टीपल और चीजें भी कर सकते हो अपने जरूरत के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं माई IP एड्रेस लोकेशन,
ओके यहाँ पर मुझे मिल चुका है, मैं यहाँ पर इसको सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर इस फर्स्ट वेबसाइट को हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं हमें ये किस कंट्री का सर्वर मिला है जो कि हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई साहब सिटी जो है वो मुझे नहीं पता क्या नाम है, ये मैरी वेसल के नाम से मेरे ख्याल से, और जो रीजन है वो ओहायो है और जो कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, मतलब कि यूएसए की आपको ये सर्वर मिला है जिसको आप यूज कर रहे हो इस टाइम। ठीक है, मेरा तो यूएसए का, जब आप क्रिएट करोगे तो हो सकता है आपका सर्वर किसी और कंट्री को या मे बी आपको यूएसए का ही मिले, क्योंकि जो मैंने कल सर्वर क्रिएट किया था उसमें भी मुझे यूएसए का ही सर्वर मिला था, तो आज भी यूएसए का ही मिला है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर स्पीड टेस्ट कर लेते हैं कि हमें कितना फास्ट इंटरनेट मिला है इस RDP में। तो यहाँ पर हम स्पीड टेस्ट सर्च कर लेंगे और इस वेबसाइट को ही हम यहाँ पर फर्स्ट में ही ओपन कर लेंगे। अच्छा, ओकला की अक्सर औकात थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो हम इसमें टेस्ट नहीं करेंगे, हम टेस्ट करेंगे fast.com में। ठीक है, ये वाली जो सी वेबसाइट है ना, इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। इसमें हमें एक्यूरेट इंटरनेट स्पीड मिल जाएगी, कितने MB की हमें यहाँ पर इंटरनेट स्पीड मिलती है। तो भाई साहब इंटरनेट स्पीड के हवाले से तो आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, ये तकरीबन 1 GB तक आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। इसमें आप किसी भी किस्म का अपना कोई भी टास्क इजीली परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे पता है यार ये 700 से 1000 MB का आपको यहाँ पर इंटरनेट मिल जाता है जो कि आपके किसी भी काम के लिए इनफ स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम बंद कर देते हैं। अब आपने मल्टीपल प्रोफाइल कैसे जनरेट करनी है क्रोम की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एरो मिलता है प्रोफाइल का एरो मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एड पर क्लिक कर देना है। जितनी भी आपको यहाँ पर प्रोफाइल चाहिए ना वो आपने ऐसे ही क्रिएट करनी है। जब भी आप न्यू प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो आपने क्या करना, क्रिएट विदाउट एन अकाउंट पर आपने क्लिक कर देना। ठीक है, तो आपके सामने आपका न्यू क्रोम की जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आपने उसको नेम देना है, कोई भी नेम दे दें, वन दे दें, आगे आप जितनी क्रिएट करते रहेंगे उस हिसाब से आप यहाँ पर क्रिएट करते रहिएगा। तो यहाँ पर आपने डन करना है और आपकी जो प्रोफाइल है क्रोम की वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आपने एक और यहीं पर अगेन क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपने ऐड पर क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट विदाउट एन अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने उसका नाम दे देना है कि इस आप प्रोफाइल का क्या नाम दोगे, पहले का 1 था, इसका हम 2 दे देंगे और यहाँ पर हम डन पर क्लिक कर देंगे। और इसी तरह आप अपनी जितनी भी आपको जरूरत है क्रोम की प्रोफाइल जनरेट करने की वो आपने यहाँ पर क्रिएट करनी है। और आप जितना भी यहाँ पर आप YouTube चलाना चाहें, जितने भी टैब्स के अंदर आप YouTube चलाएं, कुछ भी आप करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये पहला मेरा क्रोम की प्रोफाइल बंद हुई, उसके बाद ये दूसरे की हुई और ये लास्ट वाला जो हमारा है वो बंद हो चुका है। अब जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर आप इंटरनेट में आओगे, क्रोम पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपसे आपकी प्रोफाइल का पूछेगा कि आप कौन सी प्रोफाइल ओपन करना चाहते हो। तो यहाँ पर अगर आप मजीद बनाना चाहते हो क्रोम की प्रोफाइल्स तो आपने ऐड पर क्लिक करना है, क्रिएट विदाउट एन अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल का नेम देना है। पहले हमने 1, 2 बनाई थी, अब हम यहाँ पर 3 बनाएंगे और यहाँ पर इसको डन पर क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया सर, यहाँ पर आप मल्टीपल एक टाइम पे मल्टीपल अपनी जो प्रोफाइल है उनको ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 को ओपन करता हूँ, तो ये देखें आपके सामने 1 भी ओपन हो चुकी है। गॉट इट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम किसी भी किस्म की कोई भी ब्राउजिंग इजिली कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं 3rd वाले को भी ओपन कर लेता हूँ, तो ये आपके सामने देखें मल्टीपल ब्राउजर एक टाइम पर ये RDP सर्वर हैंडल कर पा रहा है। ठीक है, इसमें इतनी ज्यादा लैग भी नहीं हो रही, किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम भी फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो आप इसमें भी YouTube चला सकते हो, मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ, बल्कि ताकि बाद में ये ना कहे भाई आपने ये करके नहीं दिखाया। तो इसमें भी हमने YouTube ओपन कर लिया, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इसमें भी हमारा YouTube जो है वो ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने दूसरे वाले में भी YouTube ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इसमें भी हमारा जो है वो YouTube ओपन हो चुका है। अब आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग जितने चाहे इसके अंदर प्रोफाइल बनाएं और जितनी आपको जरूरत हो उतना आप इसके अंदर काम कर सकते हो। इसमें भी आप कुछ भी सर्च करके लगा सकते हो और ये जो सा दूसरे वाली है इसमें भी आप कुछ भी लगाकर अपना काम इजीली परफॉर्म कर सकते हो। इस सर्वर में आपको तकरीबन 12 GB की रैम मिलती है और 110 GB की आपको यहाँ पर स्टोरेज देखने को मिलती है। और अगर आप डाउनलोडिंग स्पीड की बात करें तो वो भी अच्छी मिलती है, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ कोई फाइल यहाँ पर, तो वो भी भाई साहब बड़ी तेजी से यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर न्यू टैब ओपन करते हैं, गूगल में चलते हैं, यहाँ पर हम सर्च करेंगे टेम्प डाउनलोड। ओके, यहाँ पर मैंने 1 GB फाइल डाउनलोड सर्च कर लिया है और हम क्या करेंगे इस फाइल को यहाँ पर न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको जस्ट डाउनलोडिंग स्पीड दिखाना चाहता हूँ कि कितनी फास्ट यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट हम 100 MB को डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने देखें भाई साहब ये तो डाउनलोड भी होगी मेरे ओपन करने से पहले यहाँ पर 100 MB डाउनलोड भी हो चुकी है। यहाँ पर आपके सामने 1 GB फाइल करके देखते हैं, तकरीबन 4 से 5 सेकंड के अंदर 1 GB की फाइल जो है वो 100 MB की फाइल डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर 1 GB की देखते हैं ये कितनी देर में होगी, तो भाई साहब
भाई साहब चेक करें यहाँ पर इंटरनेट स्पीड चेक करें, ये तकरीबन 300 एमबी की हो चुकी है। यहाँ पर स्पीड चेक करें बस आप, यहाँ पर 400 एमबी हो चुकी है। तकरीबन मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर आपकी यहाँ पर 1 GB की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें आपके सामने मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड के अंदर आपकी 1 GB की फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इतना फास्ट आपको इंटरनेट मिलता है, देखें आपके सामने यहाँ पर 1 GB की फाइल कितनी फास्ट डाउनलोड हुई है। तो बस जब आपका काम कंप्लीट हो यहाँ से इसको बंद कर दो, जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप इस टैब को भी यहाँ से ऑफ कर सकते हो। ठीक है, आप इस RTP को मल्टीपल टाइम के लिए क्रिएट कर सकते हो, जब आपकी जरूरत पूरी हो जाए तो आप यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसा हेल्पफुल कंटेंट देखने को मिलता रहे। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।